बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाए हैं। और उन्हीं में से एक सवाल यह भी है कि आखिर धरती पर इंसान कहां से आया और कैसे जन्म हुआ पहले मानव का, कैसा था पहला जीवन और क्या है मानव जाति का इतिहास। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की जाए तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का सा बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अलग अलग तर्कों को सामने रखा है। अब इनमें से कौन सा तर्क ज्यादा सही और ज्यादा सटीक है इसका चुनाव कर पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है, और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्र जीव ही था। और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क यही है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मानव का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बहती गर्म यानी कि यह ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उसी समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा और उसी कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई जिससे विशाल समुद्र बन गया। लगातार हुई बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया, बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों में आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे कर पृथ्वी बेहद ही ठंडा ग्रह बन गया। और यह वही समय था जब समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरीके से मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना जो कि बेहद ही ठंडा था, जिसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुसार खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदल है, तो मछली के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद ही प्राकृतिक बदलाव है जो समय समय पर प्रकृति के साथ बदलता रहा। और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।